दोपहर या शाम को लंच के बाद जो रोटियां बच जाती हैं उनसे हम बनाते हैं मिल्क केक। हमने यहाँ दो रोटियां ली हैं और उन्हें तोड़कर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब ग्राइंड की हुई रोटी को एक पैन में डालकर 1 चम्मच देसी घी और 1 प्याली डेसिकेटेड नारियल पाउडर डालकर इसको रोस्ट कर लेंगे। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद एक बड़े बर्तन में निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। मिल्क केक को अच्छा फ्लेवर और कलर देने के लिए हमने यहाँ पैन में 2 से 3 चम्मच चीनी कैरेमल कर ली है। चीनी कैरेमल होने के बाद हमने इसमें 1 मग दूध डाला है। 1 टेबल स्पून विनेगर डालकर दूध को फाड़ेंगे। केक को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने कुछ ड्रॉप केवड़ा एसेंस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर मिक्स कर लिया है। अब इसमें रोस्ट की हुई रोटी और चीनी डालकर ठीक होने तक इसको पकाएंगे। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।